अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ब्रिगेडियर अब्दुल मजीद मलिक है और मैं आँखों का डॉक्टर हूँ। मैं आँखों की सोसाइटी जो है, जिसे कहते हैं मोतिया की सोसाइटी, उसमें पाकिस्तान का नेशनल और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। थोड़ा सा मैं आपको सफ़ेद मोतिया और कोरोना के ज़माने में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, कोरोना की वजह से सारे ही इमरजेंसी के अलावा सारे ट्रीटमेंट्स और सारी बीमारियों का इलाज मौखर किया गया है। तो सफ़ेद मोतिया के उन लोगों का जिनको सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन एडवाइस किया गया था वबा फैलने से पहले और ऑपरेशन ना हो सका, उनमें परेशानी हो सकती है कि ऑपरेशन ना होने से आँख में कोई मसाइल ना हो जाए, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सफ़ेद मोतिया बहुत ज़्यादा पक्का ना हो जाए तो इसका ऑपरेशन पोस्टपोन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको सिर्फ करना यह है कि खुद से अपनी आँख चेक करते रहें, जैसे कि आप अपनी उंगलियों को गिनें। अगर आप अपनी उंगलियां गिन सकते हैं या आप अपनी आँख के आगे हाथ को घूमते हुए आराम से देख सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आपका ऑपरेशन पोस्टपोन हो सकता है। अलबत्ता अगर आप देखते हैं कि आप उंगलियाँ भी नहीं गिन सकते और आपको लाइट सिर्फ नज़र आती है, वो भी मुश्किल से नज़र आती है, तो इसमें फिर खतरा होता है कि मोतिया ज़्यादा पक्का हो जाए और काले मोती में तब्दील ना हो जाए और उसकी वजह से बिनाई ना ज़ाया हो। ऐसी सूरत में आप अपने करीब तरीन आई स्पेशलिस्ट से रब्ता करें और अपना चेकअप कराएं ताकि मुनासिब इलाज हो सके। बस ये आपको बताना था, इस चीज़ का ख्याल रखना आपने और परेशान नहीं होना। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।